तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे जो क्या है ना, यहाँ पे ये ठंडा पानी गर्म पानी दोनों की व्यवस्था है। 100 रुपये में 3 दिन सारी फैसिलिटी के साथ आपको क्या चाहिए। आने के बाद यहाँ पे आपको पूरा यहाँ पे इंतजाम है बेसिन का और अंदर बाथरूम है। 150 रुपये में रूम भी मिल सकता है, मगर उसके लिए आपको कम से कम आपकी वाइफ या कपल में आप होने चाहिए। चलिए, लग रहा है आपको यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। हम 1 साल से आ रहे हैं, यही रुक रहे हैं, बहुत अच्छा है जी जी। कोलकाता में, पूरा कलकत्ता में ऐसा नहीं मिलेगा, बिल्कुल मजा आया। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। भाई चैनल पे फिर से आपका स्वागत है। खैर मकदम है बहुत ही खास ब्लॉग लेकर। जी हाँ, जैसा कि आपने टाइटल थंबनेल में देख लिया कि आज क्या होने वाला है। जी हाँ, आपके लिए पूरे हिंदुस्तान का सबसे मशहूर जो एक शहर है कोलकाता, जो सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है, मैं वहाँ हूँ और आपके लिए लाया हूँ बहुत ही खास ब्लॉग और बहुत ही अच्छा ब्लॉग और काफ़ी सस्ता, सस्ते से भी सस्ता, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा जो चैनल है वो चीपेस्ट होटल इन इंडिया है। क्योंकि देखिए, मैं सस्ता होटल इसलिए खोजता हूँ क्योंकि महंगा होटल के लिए किसी को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, गूगल पे या यूट्यूब पे कहीं भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जेब में पैसा है, पॉकेट में मनी है, कहीं भी जाएंगे वो आराम से रूम ले लेंगे चाहे जितना महंगा हो। लेकिन सस्ता वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कम बजट में ट्रैवलिंग करना होता है, कम बजट में एग्ज़ाम वगैरह देने जाना होता है, तो उनके लिए मैं यह स्पेशली चैनल बनाया हूँ कि सस्ते से सस्ते होटल दे सकूँ। उसी कड़ी का यह है एक और जी व्लॉग है, ये कोलकाता का जैसा जितना भी रेलवे स्टेशन है, जैसे कोलकाता, सियालदह, हावड़ा, चितपुर और भी जो भी है यहाँ का फेमस मार्केट के पास जो होटल है, जैसे बड़ा बाज़ार जहाँ लोग मार्केटिंग करने आते हैं, तो मैं उन सब जगह का आपको देने वाला हूँ सस्ते होटल का ब्लॉग। तो इसलिए कम से कम यहाँ 7-8 होटल का ब्लॉग दूंगा, 10-10 भी हो सकता है कोलकाता के होटल का, सस्ता सस्ता बढ़िया बढ़िया मेन लोकेशन पे। तो आप वहाँ हमारे साथ ज़रूर रहिएगा, पूरा वीडियोस देखिएगा। आज जो मैं होटल का जो ब्लॉग ला रहा हूँ, ये बड़ा बाज़ार थाना के जस्ट बगल में है, हावड़ा से अप्रोक्स 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और बड़ा बाज़ार थाना के जस्ट बगल में यह हम देख सकते हैं, ये ना खुदा मस्जिद है और ना खुदा मस्जिद के जस्ट हम लोग सामने ये हमारा सालेजी मुसाफिर खाना है। यहाँ मैं इस मुसाफिर खाना का व्लॉग क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ आप 100 रुपये में 3 दिन रह सकते हैं। जी हाँ, और वो भी टाइल्स पैरिस, ठंडा पानी, गर्म पानी, लाइन वगैरह सारा कुछ इंतजाम है, अच्छा बाथरूम वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा आपको इस होटल में, इस मुसाफिर खाने में। मैं सारी चीज़ आपको दिखाऊँगा, बस लोकेशन आपको कुछ नहीं करने, जस्ट हमारे सामने यहाँ पर बड़ा बाज़ार थाना है, आपको वहाँ से आना है सीधा, थोड़ा सा कुछ 100 मीटर अप्रोक्स आना है, आप यहाँ पर इस होटल में आ जाएंगे। चलिए मैं आपको दिखलाता हूँ कि मैं कहाँ ठहरा हूँ और कितने में ठहरा हुआ हूँ। मैं इसका प्राइस बता दूँ तो 100 रुपये में आप 3 दिन रह सकते हैं, 150 रुपये में 3 दिन रह सकते हैं। 150 में आप, 100 रुपये वाला में आपको चटाई मिलेगा और तकिया नहीं मिलेगा, सिर्फ चटाई मिलेगा, पंखा मिलेगा, ये सब मिलेगा। 150 वाला में बेड मिलेगा और 150 वाला में रूम भी मिल सकता है, मगर उसके लिए आपको कम से कम आपकी वाइफ या कपल में आप होने चाहिए। चलिए मैं जहाँ ठहरा हूँ 100 रुपये में वो आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड देखिए, मैं जो जहाँ ठहरा हुआ हूँ वो कुछ इस तरीके का है हमारा। देखिए, हमारे चटाई मिला है, टाइल्स यहाँ पैरिश है, पंखा है, अभी पंखा नहीं चला रहा हूँ, ठंड है, लाइट जल रहा है और पक्का है। इसमें क्या है 100 वाले में कि आपको सिर्फ चटाई मिलता है, 150 वाले में आपको एक मोटा तोशक मिल जाएगा। जी हाँ, 100-150 वाले में आपको मोटा तोशक मिल जाएगा और 150 वाले में जो रूम मिलेगा, तो मैंने उसका कंडीशन बता दिया है कि आपको आपके जो वाइफ साथ में होनी चाहिए तो आपको सेपरेट रूम भी मिल जाएगा। रूम था काफ़ी बड़ा रूम है, ये बहुत ही बड़ा है, 100 रुपये में आप 3 दिन रहिएगा। तो साथ ही साथ इसमें आपको क्या करना है कि एक रूम में कम से, काफ़ी बड़ा रूम है तो 6 आदमी अलाउ होते हैं, 3-3 इधर अलाउ होंगे और 3 इधर अलाउ होंगे। सामान की पूरी गारंटी होती है कि यहाँ कोई चोरी वगैरह नहीं होती है। चलिए अब इनसे हम बात कर लेते हैं, इनको निकलना है तो इनसे हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ ठहरे हुए हैं। भैया भैया, आप अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद अंजार आलम है। कैसा, कहाँ से आए हैं आप? पूर्णिया बिहार से। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है, हम 1 साल से आ रहे हैं, यही रुक रहे हैं, बहुत अच्छा है जी जी। पूरे कोलकाता में ऐसा नहीं मिलेगा, बिल्कुल। तो जैसा कि आपने भैया से सुना, पूरे कोलकाता में ऐसा नहीं मिलेगा। चलिए मैं आपको क्या क्या फैसिलिटी है रूम के अलावा आपको वो भी दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, जैसे ही हम रूम से बाहर निकलते हैं तो आपको देखिए यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, आपको ये आईना मिल जाएगा, आप आराम से सर वगैरह झाड़िए। इसके अलावा आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ ठंडा पानी, गर्म पानी, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे जो क्या है ना, यहाँ पे ये ठंडा पानी, गर्म पानी दोनों की व्यवस्था है। 100 रुपये में 3 दिन सारी फैसिलिटी के साथ आपको क्या चाहिए। चलिए साथ ही साथ मैं आपको बाथरूम भी दिखा देता हूँ। बाथरूम में है कि आपको नहाने का बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा इंतज़ाम है, बहुत ही अच्छा।
यहाँ पे हाथ बाथरूम आने के बाद यहाँ पे आपको पूरा यहाँ पे इंतज़ाम है बेसिन का और अंदर बाथरूम है। तो कहने का मतलब आपको सारी फैसिलिटीज़ यहाँ मिलने वाली है सिर्फ 100 रुपये में, वो भी 3 दिन। जस्ट हमारे सामने वो देख रहे हैं, वो रिसेप्शन काउंटर है और काफ़ी बड़ा, देखिए बहुत बड़ा ये यहाँ मुसाफिर खाना है। ये अप्रोक्स लगभग मुझे जहाँ तक मालूम है 200 कमरे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत पुराना है, कोलकाता का बहुत पुराना ये मुसाफिर खाना है। वो आई होप कि आपने इस व्लॉग को पसंद किया होगा। कुछ भी कमी हो, क्या कमी है, कुछ भी जानना चाहें तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको उसकी पूरी जानकारी दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं पूरे कोलकाता के और भी अच्छे अच्छे व्लॉग के साथ। पूरे बहुत सारे स्टेशन का, कोलकाता के बहुत सारे मेनली स्टेशन के पास का होटल में देने वाला हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए, टिल देन बाय।